नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा जी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम लोग करेंगे 15 दिसंबर की जो करंट अफेयर्स है उसको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में देख लेंगे, और इसके पीडीएफ जो है आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा, तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कौन जो है वाइस चेयरमैन बने हैं यूनाइटेड नेशन एज ऑडिटर, तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि जी। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ने बैन किया है न्यू करेंसी ऑफ इंडिया। तो 500 2000 सभी जो नोट्स को जो है बैन कर दिया गया है, तो ये बैन किया गया है नेपाल में, ठीक है, नेपाल में ये बैन हो चुका है। अच्छा, हु इज़ इलेक्टेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो दैट इज़ अशोक गहलोत जी। इंडिया ने साइन किया एक बायलेटरल एनुअल हज 2009 एग्रीमेंट, कौन से कंट्री के साथ, इराक के साथ, सऊदी अरेबिया या ईरान, तो ये जो हर साल होता है ये हुआ है इस बार भी सऊदी अरब के साथ। अच्छा, लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड 2018 अनाउंस हो चुका है, कौन सा जो है करेक्ट है आपको बताना है। शरद पवार, मुरली मनोहर जोशी को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है, गुलाम नबी आज़ाद और शशिकांत दुबे जी को मिला है एक्सीलेंट एमपी अवार्ड, और बेस्ट फीमेल एमपी मिला है राम देवी को, ठीक है, तो सभी जो है करेक्ट हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सेट अप द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट वर्ल्ड में किसने बनाया है, चाइना, जापान या रशिया, तो ये जो बनाया है रशिया ने बनाया है। मधुबाबू पेंशन स्कीम, ठीक है, जिसको बेनिफिट मिलेगा 5 लाख एडिशनल एल्डरली पीपल इन द प्लान ऑफ व्हिच स्टेट, कहाँ पे है मधुबाबू पेंशन स्कीम, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज आपका बी, ओडिशा में। येस बैंक ने किसको बनाया एज अ इंटरिम चेयरमैन, मधुराना ब्रह्मदत्त ब्रिजेश सिंह, तो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज बी, आपका ब्रह्मदत्त को बनाया गया है। किसको अपॉइंट किया गया न्यू FTII चेयरमैन, तो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ब्रिजेंद्र पाल सिंह को। और 39 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल समिट कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली, रियाद या मॉस्को, तो ये हुआ है आपका रियाद में। गवर्नमेंट ने एक कमिटी सेटअप किया है टू एग्जामिन द स्ट्रेस पावर एसेट, जो भी स्ट्रेस पावर एसेट्स है, तो कौन हेड करेंगे इसका, सुरेश सिंह, कमलनाथ, अरुण जेटली, तो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज सी, अरुण जेटली। इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक 60 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है, कौन से स्टेट के लिए, तो ये साइन हुआ है आपका फॉर असम। और आज का क्विज देख लो, कौन सा कंट्री इमर्ज एज वर्ल्ड नंबर 2 आर्म्स प्रोड्यूसर एज पर सिप्री रिपोर्ट, आपको मुझे बताना है। तो चलो जल्द से जल्द कमेंट कर दो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।